मधु करेसा जनाब, हाफिज कादिर बख्श मेतला साहब, शाबान जुनून शाबान साहब, इन्हें दो किताबें के बारे के सारे ख्याल करे सर। जनाब हाफिज कादिर बख्श मेतला साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुहम्मदुहु वनुसल्ली अला रसूलिह। पीकर फरीदी जाम तू, थी रिंद मस्त मदाम तू, वाह दियों दी मदारक गाम तू, वाह वाह करे सारी खलक। वाह स्टेज ते बैठे हुए मेहरबान दोस्त सामईन किराम, मैं इंतहाई माजरत नाल अर्ज करे सा कि 3 साल तो मेरा गला बह गया। मैं बस में फरीद का सदर ही वक्त तक मौजूद हाँ, ब्याह भी जिम्मेदारियां ढेर सारियां हैं, मगर ही गले दी मजबूरी दी वजह कनो सारियां तकरीबात जड़िया नू मैं तकरीबन छोड़ चुका, लेकिन दिल चाहते भी नवी नवी दोस्तें को मिलो ते ये खातिर मैं वाला हाजिर था। जब तक बंदा गाल ना करे उन्दा वो एक मिसाल है जो भी बेवकूफ दा घर भरम रह बंदे, अकलमंद दा इजहार थींदे। बंदा अगर गाल करें दे तो पता लगते क्या कहना पे, ता या मजबूरी आड़े हम दिए कभी पिछु मेरा साह रोकवेंदे, मैं सही तरीके गाल पूरी नहीं कर सकता। बहरहाल माफ करे सो तुसो, शायर और अदीब लोग जो कुछ भी लिख देन अल्लाह करीम दी अता होंदी है। अल्लाह करीम इंसान दे अंदर लुके हुए जौहर वो कहीं ना कहीं सूरत जाहिर करेंदे। सुल्तान महमूद गजनवी फिरदौसी शायर को आख्या भी तू मेरी जंगें दे हालात, मेरी जिंदगी दे हालात, मेरे सल्तनत दे हालात दर्ज कर, मैं देखूं एक शेर दे बदले एक सोने का टिक्का अता करे सम। उन्हें खूने जिगर लाते कई सालें दी मेहनत के बाद उन्हें शाहनामा फिरदौसी मुरतब किया। उन्हें अर्ज की सी मैं तुहाड़े हुक्म दी तामील कर चुका, जिमें अज किताबें ते तकरीब रूनमाई है। उन्हें आख्या सी इंदी किताब दी तुसा कबूलियत दा वक्त मुकर्रर फरमाओ। बादशाह ने वो जरा कुं राखी ने मजलिस कट्ठा किया, उन्हें मशवरा किया वजीर कनों, उन्हें लोग कई मुखालिफ इन्हें भी ढेर लोग मुखालफत की थी। उसने उन्हें आखिया सी एक शायर है बादशाह का अगर कोई ठीक रहा भी अता कर रहे तो भी इनाम होने तू सोने दे टिक्के दी बजाय ये कुछ चांदी चांदी दे सिक्के ले जा। जैनों को बादशाह की तरफों चांदी दे सिक्के अता किए गए, उन्हें जड़ा सालें दी मेहनत के नाल अपना खून जिगर जाय किया को बड़ा अफसोस लगा, तो उन्हें खड़े खड़े फिलबदी लिखा, अगर शाह रा शाह
वो दे पिदर सर भर ने याद आ मरा ताजे सर। मशहूर जो भी सुल्तान महमूद गजनवी कहीं नीच कौम दा उनका खानदानी पेशा बुजुर्गें दा वो दरकान आ। उन्हें आख्या अगर तू कहीं खानदानी दा पुत्रों में है तो मेरी जरूरत ही इज्जत अफजाई करें है। तू मेरे कम दी कदर नहीं की थी क्योंकि जरा शायर या अदीब जड़ा कुछ लिख दे ओंदे खूने जिगर शामिल होने आम बंदे को क्या पता भी हो कितनी तगोदो दे नाल कितनी मेहनत नाल होने ये कुछ लिखे ता वो ये शेर आँख से खड़े खड़े होने वो चांदी दे सिक्के सारे हो तकसीम कर ली थे ते वो तुम शार छोड़ते बज पिया लंबी कहानियों को छोड़ो। बहरहाल इन्हें बहुत बड़ी काविश की है। मैं समझदा कि मैं हजरत फखर जहां दा दीवान मैं बेसिकली महकमा तालीम मेरा ताल्लुक रह गए। मैं वाले एजुकेशन रिटायर अफसर रिटायर थे तो मैं छुट्टियों के दौरान ढाई साल बेचों को मैं सरेखिए तर्जमा किया भी कोई पता ना आके भी ये छप से या कोई इतनी शोहरत मिल से या मे को ये मकाम मिल से ये बंदे को पता नहीं होता। मैं ढाई साल बेच उनका तर्जमा किया पलों को डॉक्टर बशीर अनवर अबोरी लिखदा मुल्तान करो मैं कहूँ जा गया उनको जक्रिया यूनिवर्सिटी बड़ी लंबी कहानी है उन्हें छापिया उन्हें छापते मेरे को 6 महीने लबेंदे रह गए। बल मेरे को ना लता थे उन्हें मेरी तकरीब रूनुमाई की थी ये जरा बुजुर्गान था कोई शख्स कम करें दे वैसे करीब हंसते हैं कहीं दा कहीं दी मेहनत वो रायगा या जाय नहीं करें दे। मेको दीवान लिखण दे नाल ये मकाम मिलिया कि मैं अज पीरे विच पीर हाँ। मेको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन हजरत बिलाल चिश्ती साहब हिंदुस्तान का नाम दे उन्हें मेको ईवान इकबाल लाहौर 23 नवंबर 1917 खबरें वाले ने एक प्रोग्राम आ उन्दे बिच उन्हें मेरी दस्तारबंदी और खिलाफत अदा की। तो मैं समझदा इन्हें भी जड़ी है खिदमत की है इन्हों को इन्हों बुजुर्गान दे इन खिदमत करन नाल अल्लाह से इन्हें को ढेर सारा तरक्या अता करे से इन्हें बहुत बड़ी काविश की है। जेड़ा शख्स करें दे मेहनत का हूं पता होंगे इन्हें जरा खुरम साहब का पहले खुरम साहब को कहीं को पता ना आके भी हो गजल को शायर है लेकिन इन्हों को साबित किते भी हो बहुत कदीम गजल को शायर है और उन्होंने बेशुमार अच्छा गजल जरा इन्हें उन्होंने उन्होंने निशापुर किते हर वर्ती है जिन्हें लिखे भी है। मैं समझदा कि हज जेड़े ये जेने असा जैसे बुढ़ेपे के करीब थी तो हूँ वे अस अपने हड्डियों को हड खेद इन्हों को इन वजह है कोई लहू वर्ती या जिंद वर्ती आखे न चा तो तमाम बेहतरा बार हज वर्ती भी आखिर ही मकाम तक इंशाल्लाह मेहनत करें दे करें दे जरूर अन्ना अल्लाह से इन्हें ये मकाम अता करे से ये सारे लोग तो जड़े तशरीफ गए हो इतनी देर जहमत फरमाई है मैं थोड़ा बेहद मशकूर हाँ।
आदमी एकेडमी, गौहर एकेडमी, गौहर आदमी फोरम को मैं दुआ ले समय अल्लाह से ना को मजीद तरक्या अता करे से इन नमें नमें प्रोग्राम तश्कील ले निराशन बड़ी मेहरबानी।